पंजाब और हरियाणा में खालिस्तानी आतंकवादियों की मूवमेंट पिछले कई महीनों से बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद हरियाणा में जांच एजेंसियां भी अलर्ट मोड में आ गई हैं। अभी फरवरी में ही सोनीपत पुलिस ने 4 खालिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ा था, तो वहीं 2 दिन पहले करनाल पुलिस ने भी 4 आतंकियों को पकड़ा है। खालिस्तानी आतंकियों की लगातार बढ़ती मूवमेंट को देखते हुए आज सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर बम निरोधक दस्ते के साथ रोहतक मंडल CID टीम पहुंची। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेल यात्रियों के समेत उनके सामान की चेकिंग की जा रही है। इनकी चेकिंग चल रही है। ईद से पहले मैसेज आया था उसको अलर्ट के लिए, उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। सभी डिस्ट्रिक्ट में होटल है, धर्मशाला है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है। तो एक हमारा बम डिस्पोजल स्क्वाड है जो रेंज में है, उस हेल्प से डिस्ट्रिक्ट पुलिस और GRP चेकिंग कर रही है। किस तरह से चेकिंग की जा रही है? चेकिंग उससे कोई ऐसी सस्पेक्टेड चीज़ ना हो, उस अलर्ट उसमें रह जाए, अपनी फोर्स भी अलर्ट हो जाए, कैसे चेक करना उन्हें देखना हो, उस बारे में सारा बताया जा रहा है। जिस तरह करनाल में 4 संदिग्ध पकड़े गए उसके बाद नहीं, उससे पहले ही चली हुई है। तो ये तो 2 तारीख से ही चली हुई है। सोनीपत में आज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन है जी, मुख्य जगह है, सभी पर चेकिंग की जा। हाँ, 2 जगह होगी आज, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन। आगे भी लगातार जारी रहेगी? मैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हूँ CID हरियाणा। आगे भी इस तरह जारी रहेगी सर? हाँ, जारी रहेगी। वहीं इस दौरान रेलवे थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि सोनीपत में अलर्ट बढ़ा दिया गया है और ईद से पहले ही उनके पास अधिकारियों के आदेश आ चुके हैं, उसी के तहत आज चेकिंग की जा रही है। बम निरोधक दस्ते के साथ स्टेशन पर चेकिंग की जा रही है, आने वाले यात्रियों के सामान और उनके यात्रियों की चेकिंग की जा रही है और ये चेकिंग रूटीन में जारी रहेगी। अपना बम डिस्पोजल दस्ता है, रोहतक से आया हुआ है, आज अपने स्टेशन की पूरी जांच कराएंगे। जिस तरह करनाल में 4 संदिग्ध आतंकवादी नहीं, उससे पहले ही अलर्ट का मैसेज है हमारे पास, तो ईद से पहले ही उसमें लगातार हाँ जी हाँ लगातार कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। चेकिंग भी की जाती है? हाँ, चेकिंग भी, हाँ मैं अपने स्टाफ से भी करवा रहा हूँ RPF से, और आज ये विशेष प्रोग्राम था इसमें अलग से कर। हरियाणा में जिस तरह पिछले कुछ समय से आतंकवादी गतिविधियों का खुलासा हुआ है और कुछ आतंकवादी पकड़े भी गए हैं, उसे देखते हुए सिक्योरिटी को टाइट करना और भीड़भाड़ वाली जगहों पर इस तरह से चेकिंग को बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है। बहरहाल हरियाणा में जांच एजेंसियां एकदम अलर्ट मोड में नजर आ रही हैं और आतंकवादियों के नापाक मंसूबे सफल न हो पाए इस पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।